पुरोला नगर पंचायत पर राहु केतु की वक्री चाल का प्रकोप। प्रधानमंत्री मोदी की विकासोन्मुखी सोच के विपरीत चंद भाजपा नेताओं द्वारा नगर पंचायत द्वारा कराए गए कार्यों को रुकवाने के लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के दरबार में जाने की अफवाहों का बाजार गर्म। गौरतलब है कि विगत 6 महीनों से नगर पंचायत पुरोला के अंतर्गत विभिन्न अभियांत्रिक कार्य कराए जा रहे हैं, जिसमें नौगांव पुरोला मोटर मार्ग पर बहुमंजिला पार्किंग का निर्माण कार्य बहुत बड़ी उपलब्धि बनने जा रही है। उत्तराखंड के बहुत कम शहरों में इस तरह की पार्किंग अस्तित्व में है, उस पर नगर पंचायत में बहुमंजिला पार्किंग होना अपने आप में महत्वपूर्ण उपलब्धि है। इसके अलावा इस बहुमंजिला पार्किंग से 200 मीटर दूर तहसील के निकट टैक्सी स्टैंड व पार्किंग का निर्माण भी लगभग पूर्ण होने को है। इसके अलावा छाड़ा खट के ऊपर भी पार्किंग प्रस्तावित है। इसके अलावा कुमला रोड, जलसस्थान रोड व नगर के विभिन्न मार्गों व गलियों का चौड़ीकरण कर टाइल बिछाई जा रही है। कुल मिलाकर नगर पंचायत पुरोला के अंतर्गत करोड़ों के कार्य गतिमान है। खबर कहे या यूं कहे कि पुरोला में अफवाहों का बाजार गर्म है कि चंद भाजपा नेताओं को नगर पंचायत के अंतर्गत गतिमान निर्माण कार्य रास नहीं आ रहे हैं व उन्होंने मुख्यमंत्री से काम रुकवाने की मांग की है। यद्यपि इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि कोई भाजपा नेता मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मिला भी या नहीं। नगर पंचायत के अंतर्गत निर्माणाधीन कार्यों को बजट आवंटन को रोकने की अफवाहों से आम जनमानस के अंदर एक गुस्सा पनप रहा है व इनमें वे लोग भी शामिल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी की नीतियों के समर्थक हैं। कुछ लोगों ने फेसबुक के माध्यम से अपने विचार व्यक्त भी कर दिए हैं। उम्मीद है भाजपा नेताओं को भाजपा कार्यकर्ताओं व आम जनता के मन की बात बहुत जल्द समझ आ जाएगी। पुरोला के प्रसिद्ध कथाचकार देवी प्रसाद विद्वान यानी डीपी विद्वान ने इस घटनाक्रम पर अपनी टिप्पणी में लिखा है, निसंदेह कार्य अच्छा हुआ है, लेकिन शनि की वक्र दृष्टि से भगवान आपको सदैव बचा के रखे। वहीं एडवोकेट विकास इमानी ने अपनी फेसबुक वॉल पर लिखा है, विकास कार्यों में बाधा न बने, स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा के बाद कोई तो आया काम करने वाला नेता, यहां तो जंक लग गया था विकास के पहिए में, इसलिए विनती है आप बीच में अपनी टांग न अड़ाए। आप सभी लोगों को बता दें कि स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा बहुत कम समय के लिए उत्तर प्रदेश सरकार में पर्वतीय विकास मंत्री के पद पर कार्यरत रहे और उनके कार्यकाल में पुरोला विधानसभा ही नहीं वपित उत्तरकाशी जनपद में अनेकों विकास कार्य हुए जो कि आम जनता के उम्मीद से ज्यादा थे। इसलिए जब भी कहीं विकास होता दिखता है यहाँ की जनता स्वर्गीय बर्फेलाल जोंठा को जरूर याद करती है। नगर पंचायत अध्यक्ष हरिमोहन नेगी ने फेसबुक के माध्यम से लिखा है, आज पुरोला की पहचान एक विकासशील नगर के रूप में तेजी से उभर रही है। ऐसा नहीं है कि हमने विकास के सभी आयामों को प्राप्त कर लिया है, लेकिन जब से आप लोगों ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है हमारा प्रयास हमेशा की तरह सतत जारी है। ऐसे बहुत से कार्य हैं जो पुरोला में अभी होने बाकी हैं। मुख्यमंत्री की घोषणाओं के बाद भी अगर वो कार्य किसी वजह से रुके हैं तो हमारे क्षेत्र के कुछ ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की घोषणाओं को प्राथमिकता देना नहीं चाहते हैं। ये लोग बार बार मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, उच्च अधिकारियों से मुख्यमंत्री द्वारा पुरोला के विकास के लिए की गई घोषणाओं को रद्द करने के लिए तरह तरह के झूठ बोलकर छपटियों, पुलियाओं और सब मार्गों व संपर्क मार्गों जैसे कार्य करवाने चाहते हैं। आप लोगों को बता दें कि पुरोला विधानसभा के अंतर्गत प्रतिवर्ष करोड़ों रुपए के अश्व मार्ग, छपटियों और पुलियों का निर्माण कार्यों पे होता आया है और इसमें शामिल होते हैं यहाँ के तमाम अधिकारी और जो उत्तराखंड सचिवालय में बैठे जो लोग होते हैं वो जिम्मेदार होते हैं। हर व्यक्ति का कमीशन होता है, ये मैं अपने जो व्यूअर्स हैं नगर नमो न्यूज के उनको एक मैं पर्चे करा देना चाहता हूँ कि जो कार्यशैली बन गई है जनता के बीच में छपटियों का और मार्गों के निर्माण का, जिसमें सभी लोग बहती गंगा में यानी कि भ्रष्टाचार की बहती गंगा में हाथ धोते हैं। खैर, पुरोला के चंद भाजपा नेता पुरोला में चल रहे विकास कार्यों के खिलाफ हैं। खैर, वो भी सही हो सकते हैं क्योंकि उन्होंने जमीन पर इतना अधिक कार्य शायद पहली बार देखा है।
नमो न्यूज के व्यूअर्स को बता देना उचित होगा कि पुरोला के हर होटल में चाय की चुस्कियां लेते हुए लोग एक ही बात करते हैं कि किस विभाग में कमीशन कितना प्रतिशत है। यहाँ का जनमानस ये भली भांति जानता है कि उत्तराखंड शासन से किसी निर्माण कार्य को मंजूरी के लिए कितना कमीशन देना पड़ता है। ये सब के बावजूद उत्तराखंड के भीतर पुरोला नगर पंचायत में कागज के स्थान पर धरातल पर हो रहे कार्य से लोगों का परेशान होना शायद जायज है। आपको हमारी आज की कवर स्टोरी कैसे लगी अपने कमेंट अवश्य करें। नमो न्यूज को लाइक सब्सक्राइब लाइक व शेयर करने वाले आप सभी का दिल की गहराइयों से धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। नमो नारायण।